इज़रा की पुस्तक अध्याय 9 इज़रा की पुस्तक अध्याय 9 जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इन ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मुआबियों, मिस्रियों और एमोरियो के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है और पवित्र वंश इस ओर के देश के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम सब बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लूट जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खुंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश की लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है, इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहां तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए और न तो कोई बचेगा और न कोई रह जाएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता।